शराब और बियर शाकाहारी है या मांसाहारी, पीने वालों में अक्सर छिड़ी रहती है जंग। आप भी है कंफ्यूज तो ध्यान से देखिए पूरी खबर। अगर आप भी है शाकाहारी और शराब पीने के शौकी तो आप खोल लें अपनी आंखों पर बंदी पट्टी, सच जान कर शाकाहारी के उड़ जाएंगे होश, वीडियो में समझे पूरी बात। फल और गन्ने के रस से बनने वाली शराब और बियर को आखिर क्यों समझा जाता है मांसाहारी, आप भी मानते हैं यही बात तो आप जान ले पूरा सच। अक्सर लोग शराब को लेकर एक आम भ्रम में रहते हैं कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी होती है। ये सवाल कई बार लोगों के मन में उठता है, खासकर शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को लेकर सजग रहने वालों के लिए। तो चलिए इस सवाल का जवाब जानते हैं। वैसे शराब शाकाहारी है या मांसाहारी, ये जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हर तरह की शराब जानलेवा होती है और ये हमें गंभीर बीमारियों की तरफ धकेलती है। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग मौका मिलते ही दो पैग लगाने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। हालांकि इसके बाद उनके मन में ये सवाल भी दस्तक देता है कि जिस शराब का उन्होंने सेवन किया है वो शाकाहारी है या मांसाहारी। तो चलिए इसका उत्तर भी आज हम आपको दिए देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर से जरूर लोगों के साथ शेयर कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। शराब विभिन्न प्रकार के अनाज, फलों या सब्जियों से सड़ा करके बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में खमीर इन पदार्थों में मौजूद शर्करा को अल्कोहल में बदल देता है। ज्यादातर शराब में किसी जानवर की चर्बी या किसी और की चीज का उपयोग नहीं किया जाता है। बियर, वाइन और अधिकांश स्प्रिट्स जैसे कि वोडका, जिन और रम को बनाने में मुख्य रूप से अनाज, फलों या सब्जियों का उपयोग किया जाता है, इसलिए ये शराबें शाकाहारी होती है। हालांकि कुछ शराबों को बनाने की प्रक्रिया में क्लेरिफिकेशन नामक एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में शराब को साफ करने के लिए अंडे की सफेदी और इसी ग्लास मछली की तैराकी थैली से निकाला गया एक पदार्थ या अन्य जानवर से प्राप्त पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि अधिकांश आधुनिक शराब उत्पादक उन पदार्थों के बजाय अनवैकल्पिक तरीकों का उपयोग करते हैं। वहीं कुछ विशेष प्रकार की शराबें होती है जिन्हें बनाने में जानवरों से प्राप्त कुछ पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कुछ प्रकार के वाइन को बनाने में जानवरों की चर्बी का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कई बार लोगों को शराब के बारे में गलत जानकारी मिल जाती है जिसके कारण भी वो उसे मांसाहारी मान लेते हैं। वहीं यदि आप पूरी तरीके से शाकाहारी हैं, तो आप शराब खरीदते समय कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे शराब की बोतल पर लगे लेबल को ध्यान से पढ़ें। कुछ कंपनियां अपने उत्पादों पर शाकाहारी होने का उल्लेख करती है। वहीं यदि आपको किसी शराब के बारे में संदेह है तो आप उस कंपनी में संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही शाकाहारी स्टोर में उपलब्ध शराबें भी पूरी तरीके से शाकाहारी होती है। आपके इस विषय में क्या राय है हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। फेसबुक पेज पे नए हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए केवल इतना ही।